हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो गेम के शौकीनों? आज मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ। किसी काम में फंसा हुआ था यार, तैयारी कर रहा था एक बड़ा बिल्ड बनाने की। नहीं, आज वो बिल्ड नहीं बनाएंगे। आज मैं आया हूँ एक पावरफुल बो बनाने के लिए, क्योंकि आर्मर मेरे पास पूरा है। अरे पानी फैला दिया मैंने। आर्मर मेरे पास पूरा है, मुझे बनानी है एक पावरफुल बो। और बो बनाने के लिए मुझे चाहिए एक बो। वो है मेरे पास, और अब खरीदनी पड़ेगी हमें किताबें, बुक्स। कुछ किताबें मैंने यहाँ रखी हैं, देखता हूँ है नहीं है। चलो, पावर 5 वाली बुक है हमारे पास, एक ये लगेगी। ये सारी तो नहीं चाहिए, फ्लेम चाहिए एक। हाँ, एक फ्लेम और एक इन्फिनिटी वाली बुक भी चाहिए। चलो मैं विलेजर से ट्रेड करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। मेंडिंग लगेगी इसमें? इन्फिनिटी के साथ मेंडिंग नहीं लगती। अरे यार, ये मैंने क्या क्या दिया। मेंडिंग की बुक ले ली और एमरेल्ड भी ख़त्म हो गए। तो एमरेल्ड का जुगाड़ करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। इन्हीं को बेचेंगे, अपने पोटैटो फार्म में चलते हैं सबसे पहले, और पोटैटो गाजर वगैरह उठा के इसे ट्रेड करते हैं। हाँ, ये विलेजर मिला ना हमें इन्फिनिटी वाला, तो इससे खरीदते हैं बुक और फिर चलते हैं। हालांकि मैंने इनकी बहुत नींद खराब कर दी है। चलो यार सो जाओ, तुम लोग भेजा रहा हूँ सोने के लिए। मगर हाँ, यही सोएंगे। चल भाई, ओए उठ उठ, साइड पे सोने दे। चलो अब निकलते हैं यहाँ से और बनाते हैं एक पावरफुल बू। चलो इतना तो हो गया, अब अपने सूट की बारी। इसमें हमें लगानी है थ्रॉन्स, तो सब में थ्रॉन्स लगाएंगे। चलो मेरा प्लेयर नंगा हो गया। सब में थ्रॉन्स लगानी है हमें। एक दो, एक बुक तो है हमारे पास, फालतू चीजें डालो यहाँ पे, जगह ही नहीं है। दो, चलो ग्रेवल वेवल पता नहीं क्या क्या भर रखा है। अरे इन्फिनिटी की बुक पड़ी हुई है मेरे पास, ये क्या मजाक हो रहा है? इन्फिनिटी की बुक पड़ी हुई है, इसके बावजूद मैंने खरीदी। सलाम है आमिर साहब आपको, सलाम है। पावर 5 वाली बुक भी पड़ी हुई है मेरे पास, इन्फिनिटी भी है। क्या बात है भाई, क्या बात है सर जी, क्या बात है आपकी। तो चलो इंचेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले बूट्स, नहीं ये क्या मजाक है भाई, एक्सपी नहीं है। अब एक्सपी लेने के लिए फार्म में जाना पड़ेगा, रे बहुत गलत बात है ये तो। चलो हेमलेट पहनो, सॉर्ड उठाओ, बाकी कपड़े भी चढ़ाओ और फार्म भागते हैं। भाई किधर जा रही है? मर, हमने एक मकड़ी शहीद कर दी। ओहो, कितनी बो पड़ी हुई है, कितनी हड्डियां पड़ी हुई है। अनब्रेकिंग वाली बो उठाते हैं एक। रेरोस वगैरह की हमें जरूरत फिलहाल तो नहीं है, पूरी और कुटाई करते हैं इनकी, फिर चलते हैं। चलो अनब्रेकिंग वाली दो बो हैं हमारे पास, दोनों को मिला के कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, क्योंकि कुछ भी कम है। ओए लाए, ओए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निकल यहाँ से जा। अरे तेरी खैर, तेरा निशाना बहुत खराब है। क्या दे रहे हैं? पिंक ट्यूब, ट्यूबिल पता नहीं क्या है, पर्पल डाई, सारी बेकार चीजें। ब्लू आइस, हिप्नोटाइज, बिछे एमरल्ड में। तू तो गया बेटे, आए हाय, मर गया? नहीं मरा, अब मर गया, अब तुम्हारा क्या होगा। टू शॉट्स, आई किल्ड। एच भी बहुत कम है, क्या कर रहा हूँ मैं, खेल रहा पड़ा हूँ। चलो चलते हैं फिर से और करते हैं कुछ अच्छा सा। तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। ओहो, डैमेज लिया मैंने, रात भी हो रही है यहाँ पे, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्या एन्चेंट करनी पड़ेगी अपनी बुक। ओहो, एक बार में ही हो गया, ये तो फुल हो गया। दिवाली मनाए या फुलझड़ी फुलझड़ी,
फुल जल्दी जल गई, ये हो गई फुल एचपी के साथ हमारी बोतल यार, और पावरफुल वो है, ढूंढते हैं किसी को कत्ल करने के लिए। आजा आजा, कौन आता है हमारी बो के सामने? अबे कौन मार रहा है बे? अबे तेरी तो ले, ओए ज़ोंबी ले ले ले, खा खा खा, ऐश कर मर जा। डरेगा वन भाई, डरेगा डरेगा ले, इतना खराब निशाना, ये ले ये ले ये ले, तू भी ले, तू खा ऐश कर। और कौन है? आजा तू भी आ। मैं क्रिट मार रहा हूँ बॉस से। काम देखो मेरे, और तू ये नहीं 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 क्रीपर नहीं, अस्सलाम वालेकुम, क्रीपर नहीं क्रीप, अस्सलाम वालेकुम, क्रीपर नहीं यार, ओ हो तू जो क्रीपर फटे ब्लास्ट कर दिया, मैं नहीं खेल रहा, जा रहा हूँ सुबह करता हूँ फिर आता हूँ मैं, क्रीपर तेरी ऐसी की तैसी। ओहो चलो सुबह हो गई, इतना गंदा मारा है यार, अब अपने सूट की बारी है, एन्चांट करते हैं, क्रीपर फटा, अरे मेरा बेस तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, दूसरा आ रहा है, लग 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 लग, नहीं 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 ना, मेरी किताबें, मेरी चेस, सब तोड़ दिया इसने, सब तोड़ दिया इसने। और ये एंडरमैन, ये कहां से पीछे पड़ गए? ओए ओए भाग दिखाता है। अरे यार अब इनको निपटाता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। फाइनली दो दो एंडरमैन थे, अबे फिर से आ गया तू? अरे नहीं यार, अब तुम लोगों ने मुझे दिलाया है गुस्सा, अब तुम लोग देखोगे मेरा गुस्सा, साला तुम लोगों की प्रजाति मिटा दूंगा मैं, पूरा खानदान। अब देखो मैं करता क्या हूँ, पहले मैंने सोचा था थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा, लेकिन आज ही बनेगा क्रीपर फार्म, इन लोगों की वजह से, इसी वीडियो में बनाऊंगा मैं पूरा का पूरा क्रीपर फार्म बदले की वजह से। और इसकी तरफ मत देखो यार, ये मशरूम मैंने उगाए थे जब मैं गया था स्वाम्प आयोन ढूंढने, ये देखो पिक्चर मैंने दे दी है, कोऑर्डिनेट्स भी है, स्वाम्प आयोन भी लिखा हुआ है, जंगल बायोम भी मुझे मिला था, उसमें से मैंने ये डार्क ओक ट्री लिए थे, ये उगाए थे। मैं आया इसलिए हूँ कि मुझे चेस बनानी है और मेरे पास लकड़ी नहीं है, लकड़ी काटते हैं फिर चलते हैं, बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेस लगानी पड़ेगी, उसके लिए बनानी पड़ेंगी चीजें। क्या किया है, क्या गंदगी मचा के रखी है, एक एंडरमैन और एक क्रीपर दोनों ने मिलकर जीना आराम किया आज मेरा, नहीं छोड़ूंगा दोनों को नहीं छोड़ूंगा, फिलहाल तो आज क्रीपर्स की बारी है। सबसे पहले मैं ये एरिया सही करूं, यहाँ चेस वेस लगाऊं, जितनी बुक्स मेरे पास बची हैं वो भी यहीं डालूंगा मैं। चलो चेस वेस बाद में लगाएंगे, सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंट्री खाली करूं, और कुछ जगह नहीं है मेरे पास, अब सामान ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे एक जगह से दूसरी जगह, इन्वेंट्री खाली करता हूं फिर मिलता हूं तुमसे। अब उठाते हैं अपने स्मूथ स्टोन जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे क्रीपर फार्म के लिए। सबसे पहले मैं सारे के सारे स्मूथ स्टोन उठाऊंगा और इन्हें उस जगह पे ले जाऊंगा जहां हमें क्रीपर फार्म बनाना है, यानी डीप ओशन की तरफ, और उससे पहले दिन करके आता हूं मैं। तो दोस्तों दिन तो कर लिया हमने, अब लगाते हैं अपने घर की तरफ चेस, ये लग गई चेस, और अब इसमें डालते हैं जितनी बुक्स बची हैं हमारे पास, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे बयान नहीं कर सकता, कोई फालतू चीज डालनी नहीं है। अब बिना किसी देर के सामान जमा करते हैं फिर चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए। तो दोस्तों जितना हो सका मैंने स्मूथ स्टोन उठा लिया है, और अब बनाते हैं माइनकार्ट विद चेस, ये हो गई, और अब चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। ये रहा, ये है स्टेशन, इसको तोड़कर
फुल है, मेरी इन्वेंटरी अभी भी फुल है। अब इसमें सारा सामान डालते हैं। और चलते हैं डीप ओशन की तरफ। चलो ये सारा का सारा आ गया, चलो ये हो गया। अब दूसरा सामान लेके आते हैं। देखा कितनी तबाही मचाई है इन क्रीपर्स ने, छोड़ूंगा नहीं आज मैंने, आज होगा बदला। जितना ही तबाही इन लोगों ने मचाई है इतना ही फायदा हम इनका उठाएंगे। और ये देखो दूसरे फार्म बना दिए हैं, वो जगह भी खाली है, वहाँ भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा सारा तोड़कर। तो दोस्तों मैं सारा माल लोड करता हूँ और डीप ओशन पहुँचाता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ तुमसे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों फाइनली हमारा सारा सामान भी पहुंच गया और हम भी पहुंचने वाले हैं। अंधेरा बहुत हो चुका है, मगर ये मेरा कुत्ता, ये कुत्ता मिला था मुझे सड़क से, इसे मैंने दो हड्डियां खिलाई, ये मेरा पालतू हो गया। बहुत जल्दी मार जाते कुत्ते। अरे कुत्ते साइड बैठ। अब इस चेस से मैं सामान निकालता हूँ और लोड करता हूँ। बाकी चेस भी पीछे पीछे आ ही रही होंगी या आगे पीछे हो गई होंगी। चलो सबसे पहले सुबह करते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सब डन हो गया, हमारा सारा सामान भी आ चुका है और अब हमें बनाना है क्रीपर फार्म। स्टार्ट करते हैं अपने पिलर से, यहाँ लगाते हैं एक ब्लॉक, इसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होती है यार ऐसे काम करने में। चलो उसको एक एक्सटेंड कर देते हैं। चलो अब ये टावर भी हमें तोड़ना है पूरा, टावर तोड़ते हैं उसके बाद एरिया बनाते हैं। चलो अब ये दो ब्लॉक बच गए, अब हमें 7x9 का एरिया बनाना है, एक तरफ 7 और दूसरी तरफ 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पूरा स्क्वायर बनाना है और इन्हें फिल भी करना है, तो स्क्वायर बना के फिल करके मिलता हूँ तुमसे। अब ये हो गया, अब लगानी है हमें चेस। तो चेस ऐसे लगेगी कि दोनों कॉर्नर जो है उनके एजिस से दो दो ब्लॉक छूटेंगे। अब देखो 1, 2 यहां से भी 1, 2 वहां से भी 1, 2, डबल चेस हो गई। उसके ऊपर चढ़ के एक चेस सिंगल क्राउच करके लगानी पड़ेगी वरना नहीं लगेगी। अरे यार क्या हो रहा है, एक ये देखा क्राउच नहीं किया इसलिए खुल गई। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये फार्म कहीं तो देखा होगा तुमने, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। हाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बना के रखे हैं, हम भी तो बनाएंगे ना जब हमें जरूरत पड़ेगी, मगर उन्होंने बनाए थे गन पाउडर के लिए, मैं बना रहा हूँ बदले के लिए। हाँ वो अलग बात है, गन पाउडर भी मिल ही जाएगा हमें। अब यार फिर से लामे आ गए, रात होती नहीं है ये लोग बेले आ जाते हैं। चलो निकलो निकलो यहाँ से निकल गया। अब सुबह करते हैं फिर चलते हैं वहां पे। चलो बेड भी वहीं ले चलते हैं और वहीं लगाते हैं बेड को। सबसे पहले 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा, एक यहाँ एक यहाँ, बेड लगाते हैं यहाँ पे। लग नहीं रहा, चलो यूं लग गया, अरे वाह चलो सही है, अपने को तो सोने से मतलब है। रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देते हैं, ये हो गया। अब लगाते हैं हॉपर, यानी नीचे वाली चेस में देखकर लगाना पड़ेगा ताकि नीचे वाली को भी सपोर्ट मिले, ऊपर से सामान जो आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी ऊपर वाली चेस को मत देखना, सामने वाली चेस पर देखना। ये हो गया, तीनों में 3 दिन चले गए। ऊपर वाली में भी 3 लगाने हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ये अब ऊपर चढ़ के बताता हूँ तुम्हें, 3x3 का एरिया बनाना है, यानी 3x3 का स्क्वायर बनाना है तुम्हें। 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ भी 2 और 3, अब इनको जोड़ दो, बीच में भी 1 लगेगा। चलो ये हो गया। चलो अब मैं स्टोन लेके आता हूँ क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़ साहब।
मैं भूल जाता हूँ ना चीजें, इस वजह से मैं स्टोन उठाता हूँ फिर ऊपर का बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली हमें बनानी है एक आउटलाइन, बिल्कुल यहाँ एक टेम्परेरी ब्लॉक लेंगे और उसको लगाएंगे चेस्ट के ऊपर ऐसे, और अब इसके ऊपर आएगा एक स्मूथ स्टोन और इसके बाहर भी एक, दो, ये तीन बाहर निकल भाई, गिरेगा इजीली ये। अब इसको जोड़ देना है पूरे को जैसे ही आउटलाइन मुकम्मल होगी, ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। चलो पानी डालते हैं, अब एक ब्लॉक लगाते हैं यहाँ पे। चलो ये हो गया अपना एरिया, अगर तुम गौर करो तो 4x4 का एरिया है। अरे यार दोस्तों मुझसे हो गई है गलती, मैं तुम्हें समझाने में लगा पड़ा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। वो चार वाला स्क्वायर तुम्हें बताया मैंने जो आउटलाइन बनानी थी, उसके बाद ये सारा बनाना था। अब हुआ यूं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता ही नहीं चला। अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक्स चारों साइडों से 7-7 निकाले, फिर उनको आपस में कनेक्ट किया और फिल कर दिया, बस ये किया है। अगर तुम्हें फिर भी समझ ना आए तो शुल्कर क्राफ्ट की वीडियो देख लेना, ये फार्म में वहीं से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ। मुझे अपनी रिकॉर्डिंग संभाल के रखनी चाहिए थी, मैंने क्या किया। चलो खैर जो हुआ मिट्टी पाओ। अब लगाते हैं ग्लासेस, इसकी आउटलाइन पर ग्लासेस लगाते हैं सारे, एक यहाँ पे बाहर की तरफ लगाने हैं बाबू। अब ये पूरा एरिया जो तुम्हें दिख रहा है इसे ग्लास से कवर करना है, मैं करता हूँ फिर मिलता हूँ तुमसे। चलो मेरे दोस्तों ये सब हो गया क्लियर, क्या गंद मचा के रखी है मैंने। चलो इसको तोड़ देते हैं और अब इसके ऊपर 3 ग्लास लगेंगे इनके बॉर्डर्स पर, 1, 2 और ये 3, ये चारों साइडों पे करना है। पानी छोड़ना है ऊपर की तरफ, अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी नहीं बना सकता मैं यहाँ पे, वरना फार्म खराब हो जाएगा और पानी गलत फ्लो कर गया ना तो सारा कलेक्शन सिस्टम खराब हो जाएगा। अब चारों साइडें कवर करता हूँ फिर मिलता हूँ तुमसे। चलो अब चारों साइडें हो गई, तो अब जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है उस ब्लॉक पे पानी डाल रहा है, ये यहाँ आ गया, देखो सारा फ्लो करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये कलेक्शन सिस्टम खराब हुआ तो तुम्हारा पूरा फार्म खराब हो जाएगा, यानी क्रीपर्स खड़े रह जाएंगे पीछे नहीं आएंगे। ये आ गया, अब ये चारों तरफ से एक जैसा हो गया। अब हमें ये करना है कि जो ब्लॉक खाली दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा एरिया उसकी तरफ देखो, जैसे कि ये। एक मिनट में पानी लेके आता हूँ पहले फिर समझाता हूँ, ये रास्ता भी बना दिया मैंने। हाँ अब देखो फ्लोइंग सिस्टम तो बिल्कुल सही है, ज्यादा जहाँ ब्लॉक्स खाली है ना वहाँ पे पानी डालना है। ये हो गया, अब एक वाटर यहाँ इसके बिल्कुल सीधा क्योंकि वहाँ ब्लॉक्स बहुत खाली है। बस पानी जो है ना मैं इसलिए ध्यान से डाल रहा हूँ कि पानी होपर के अंदर ना जाए, जाएगा तो कोई मसला नहीं है, इसलिए सोल कैंप फायर पानी से नहीं बुझती, मगर फिर भी पानी जाएगा अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए आते हैं तो तरीके से बनाए। और ये लास्ट बाल्टी यहाँ पे, क्योंकि वो सामने की तरफ ब्लॉक खाली है, यहाँ आ गई। अब पूरा कलेक्शन सिस्टम सही हो गया, अब चेक करते हैं इसको, डट फेंकते हैं। ओहो कितना लंबा चक्कर खा के घूम रही है, चलो नीचे ही जाना मकसद था, चली गई, इसका मकसद पूरा हो गया। यार गिरने का थोड़ी बोला था, भाई ऐसा थोड़ी होता है, इसे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं, यहाँ से घूम के जाती है, लेफ्ट साइड टर्न, यू टर्न ले लिया इसने, यहाँ से सीधी गई। अब 2 कोने और बचे हैं लास्ट। चल अपना कलेक्शन सिस्टम यानी फ्लोइंग सिस्टम एक तरह से कहेंगे, फ्लोइंग सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, यानी पानी सही जगह फ्लो कर रहा है और क्रीपर्स को नीचे ही दफनाएगा। रात हो रही है सबसे पहले सोते हैं फिर सुबह काम करेंगे। अब चलते हैं नीचे, ऑब्जर्वर और डिस्पेंसर लेकर आते हैं, मगर डिस्पेंसर दिखाई नहीं दे रहे, लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा डिस्पेंसर लेने के लिए। आता हूँ मैं डिस्पेंसर लेकर, तो दोस्तों आ गया हूँ मैं ऑब्जर्वर और डिस्पेंसर लेकर। अब चलते हैं ऊपर और बनाना शुरू करते हैं आगे फार्म। अब हमें जाना है यहाँ पे सेंटर में, एक टेम्परेरी ब्लॉक लेकर हाथ पे रखते हैं
और अब चलते हैं सेंटर में, क्राउच करके ही जाते हैं वरना जाएंगे डायरेक्ट नीचे। एक ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे और एक इसके आगे, और अब कूद के जाएंगे। पानी सही फ्लो कर रहा है, मुझे भी धक्के दे रहा है। यहाँ खड़े हो जाते हैं और दो ब्लॉक ऊपर, एक दो, और यहाँ आएगा अपना डिस्पेंसर। ये डिस्पेंसर लग गया और अब छह ब्लॉक्स पीछे की तरफ जाना है, यानी हमें छह ब्लॉक्स बनाने हैं पीछे की तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चारों साइड छः छः करके हमें बनानी है। चलो पहले एक साइड मुकम्मल करते हैं फिर दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। इसके आगे आएगा एक कांच, गलत लग गया ना, गलत लग गया, हरकतें ही ऐसी हैं मेरी। अब यहाँ आएगा एक कांच बिल्कुल पीछे की तरफ, और एक कांच आएगा लेफ्ट साइड पे। ये हो गया, अब चारों साइड ऐसी करनी है। करता हूँ फिर मिलता हूँ तुमसे। चलो चारों साइड हो गई, और अब हमें बनाना है ज़िगज़ैग पैटर्न। एक ब्लॉक आएगा कांच के पीछे और एक उसके आगे, यहाँ नहीं, चलो खैर है आगे, तो एक इसके आगे और एक सीधे हाथ पे, फिर इसके आगे। चलो भाई काम ख़राब ही करता हूँ मैं अक्सर, काम ख़राब ही होते हैं मेरे। रहे नीचे, फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कहाँ थे हम? एक इसके आगे और फिर एक इसके आगे, यानी सीधे हाथ पे एक और एक सामने की तरफ। ये हो गया, अब सीधे हाथ की तरफ एक। अब तीसरे पे आएगा कांच, दो आगे निकल गए ना, अब तीसरे पे आएगा कांच। ये आ गया कांच, फिर सीधे हाथ पे मुड़ो, फिर लगाओ ब्लॉक, फिर सामने की तरफ एक, फिर सीधे हाथ की तरफ एक, फिर सामने की तरफ एक, यहाँ नहीं, यहाँ पे, हाँ, इसको तोड़ देते हैं। चलो ये हो गया, इसी तरह तीनों साइडें और हैं हमारे पास। तीन साइडें करता हूँ फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास फिर से। तो दोस्तों ये सब मुकम्मल हो चुका है, भर भी दिया है मैंने सबको, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ये ज़िगज़ैग पैटर्न भी मुकम्मल हो चुका है। अब इसके ऊपर चढ़ना है और लगाना है एक ऑब्जर्वर। तीन ब्लॉक की हाइट, साइड पे एक ब्लॉक, निकालेंगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर लगाएंगे बिल्कुल फेस करता हुआ ऊपर की तरफ। गलत लग गया, ये डॉट नीचे आना चाहिए बिल्कुल डिस्पेंसर के मुंह पे। क्या कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें फेंक रहा हूँ मैं जैसे फालतू की आ रही हैं। मुफ्त की आती हैं गेम में, लेकिन मेहनत करके हासिल की जाती हैं। गलत गलत, ट्राई अगेन लेटर। हाँ अब लगा है सही, बिल्कुल सही लगा है। ये तीर नीचे की तरफ जाना चाहिए, देखते हैं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब बारी आती है कांच लगाने की, इस पूरे एरिया में कांच लगाने हैं। लगाता हूँ कांच फिर मैं मिलता हूँ तुमसे। चलो लग गए कांच, कांच कुछ इस तरह लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हैं। ये देखो, दो ब्लॉक छोड़कर एक, फिर कांच का एक ब्लॉक छोड़कर सीधे की हाथ की तरफ मुड़ो, फिर उसके बाद आ जाओ। ये पैटर्न भी दे रहा हूँ मैं साइड पे, देखो नक्शा बना हुआ है, इस हिसाब से बना लेना। तो सीधे हाथ की तरफ जो कांच है उसके पास एक ब्लॉक, फिर उसके बाद यूँ चारों तरफ ऐसे ही आना चाहिए। इस पैटर्न को गौर से देख लेना, फिर दो ब्लॉक छोड़कर ऐसे करके बना लेना। फिर भी समझ ना आए तो फिर वही वीडियो देखना जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक कर लेना कौन सी वीडियो है, ठीक है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और ऐसी मुझे 9 और लेयर्स बनानी है। कितनी? 9। तो बनाता हूँ फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। तो दोस्तों ये फार्म बनकर तैयार हो चुका है, यानी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है अभी तक। इसके अलावा और काम भी बाकी है इसमें, वो लेयर्स जिसमें हमें डिस्पेंसर, ऑब्जर्वर और कांच लगाना था वो सब हो चुका है। अब लगा रहे हैं इसमें ट्रैप डोर, एक एक लेयर में जाकर ट्रैप डोर लगाने हैं। ले आते हैं ट्रैप डोर, सबसे पहले सो जाते हैं, अब ले आते हैं ट्रैप डोर। अब ऐसे करके पूरी लेयर में लगाना है हमें ट्रैप डोर, यानी पूरा भर देना है, कोई एक जगह भी नहीं छोड़नी। डिस्पेंसर के ऊपर जितनी भी जगह है सब में बनाने हैं ट्रैपडोर, ट्रैपडोर और ट्रैपडोर लगाने हैं। तो चलो ये भी टाइम कंज्यूमिंग काम है, करके मिलता हूँ मैं तुमसे पूरी 10 लेयर में ट्रैपडोर। सदियाँ लगी भरते हुए ट्रैपडोर थी, और तेरी परफॉर्म था
आता हूँ तुम्हें बाद में गाना सुनाऊंगा। चलो दोस्तों, ये ट्रैप डोर्स भी लग चुके हैं। अब देखो, हो गया ना काम। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, काम और भी बाकी है। अब बनाने पड़ेंगे हमें स्लैब्स। रेडस्टोन डस्ट ले चलते हैं और कंपैरेटर, रिपीटर, ये सब कुछ चाहिए होगा हमें, और बहुत सारे स्टोन्स। अब ट्रैप डोर का कोई काम नहीं है तो इसे हम निकाल देते हैं। बाकी रिपीटर और रेडस्टोन डस्ट और कंपैरेटर लेकर चलते हैं अपने फार्म की तरफ। चलो हम आ गए टॉप पर, और टॉप वाली लेयर पर मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि यहाँ कांच नहीं लगता। बताना क्या, मैं बनाना ही भूल गया था। कांच तोड़ता हूँ और कांच की जगह मैं स्टोन्स लगाता हूँ। एक यहाँ पे कांच लगा हुआ था, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया। सारी जगह पे कांच तोड़कर स्टोन्स लगाता हूँ, सारे स्मूथ स्टोन्स। चलो ये हो गया मुकम्मल। और अब एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं रिपीटर। कुछ गलती तो नहीं की मैंने। अब लगाना शुरू करते हैं यहाँ पे रिपीटर। एक चार टिक पे सेट करेंगे। अब 13 के 13 रिपीटर यहाँ लगाते हैं, 13 वहाँ लगेंगे। टोटल 26 रिपीटर हैं हमारे पास, 26 के 26 यहीं लगेंगे। तो लगाते जाते हैं और गिनते जाते हैं और सबको 4 टिक पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे 2 रेड स्टोन डस्ट मारनी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे लगाना है एक कंपेरेटर, जस्ट लाइक दिस। ना ना ना, नॉट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा आ जा, गिरना नहीं। अबे यार कहाँ गया, बच गया। आ गया। अच्छा हुआ, वरना मैंने तो सांस बहू सब अटक जाता। उम्रे लगी। और ये बाय द वे, जो तुम देख रहे हो ना, कंपेरेटर के साथ ये स्लैब लगी हुई है। स्लैब लगाना जरूरी है, वरना तो तुम्हारे सारे ट्रैप डोर्स पहले ही ओपन हो जाएंगे। कंपेरेटर लग गया, अब इसको ऑन करेंगे और यहाँ एक रेड स्टोन डस्ट मार देंगे। इसके साथ आएगा लीवर, और लीवर में अभी नहीं बना रहा, लीवर बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम बनाएंगे AFK एरिया। और अब लगाना शुरू करते हैं स्लैब। एक ऊंचा करेंगे और उसके बाद 10 ब्लॉक आगे की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और दूसरी तरफ से भी 10। इस तरह करते करते चारों साइडों से 10-10 कवर करेंगे। एक ब्लॉक, एक स्लैब ऊपर उठानी है बेसिकली, और चारों तरफ 10-10 निकालने हैं। निकालता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। चलो मेरे दोस्तों, ये होगी चारों साइडों से। अब हमें करना है इन्हें कनेक्ट। तो कनेक्ट कैसे होगा, तुम सिर्फ 17 स्लैब गिनोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं करके बताता हूँ, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सही है। मुड़ जाओ अब, और अब खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा ये। चलते जाओ। देखा, हो गया ना कनेक्ट। अब सारी साइडें कनेक्ट करते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे। इंतजार करना हमारा। तो प्यारे दोस्तों, हो गया ये सारा कनेक्शन। और तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे पानी है। पानी इसलिए लगाया है कि मैं ऊपर नीचे आ जा सकूं, और बीच में भी मैं स्लैब भरने वाला था, लेकिन सोचा तो मैं दिखा के भरूंगा आखिर में। तुम्हें लगना चाहिए ना, हाँ भाई बीच में भी भरनी होती है, वरना सारा का सारा एकदम मिक्स हो जाता, ब्लेंड हो जाता है इसमें, फिर पता नहीं चलता। इस वजह से स्लैब है खत्म नहीं हुई, भरता हूँ। चलो ये एरिया पूरा कवर हो गया है, मगर इसको अभी मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक लगेगा एक लीवर। चलो लीवर भी लगा लिया, मेरा नीचे जाने का इत्तेफाक हुआ था। अब करते हैं इसको ऑन। करंट जा रहा है, जाने के बाद वापसी आना चाहिए। ये बारिश किधर से शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई है भाई। चलो ये करंट गया, अब ये मुड़ के वापस आना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बंद करें क्योंकि मुझे अभी ऑन नहीं करना। अब जाना है नीचे, आते हैं सोकर, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। चलो हो गई सुबह, ऊपर चलते हैं।
और सबसे पहले ये पानी ब्लॉक करते हैं और यहाँ से निकालते हैं पानी, यहाँ से। ये हमारी लिफ्ट होगी यहाँ से ऊपर आने के लिए। बार बार कौन इतनी मेहनत करेगा यार। इस पानी को कर देते हैं बंद, ये हो गया। और अब चलते हैं नीचे। अब इनमें डालते हैं पानी की बाल्टियाँ, वाटर बकेट्स, सारी की सारी लेयर्स में। 10 डिस्पेंसर, 10 बाल्टियाँ डल चुकी हैं। एक को खाली छोड़ा है क्योंकि उसके ऊपर है रिपीटर, और अगर उसमें हमने पानी डाला तो सारा पानी पानी हो जाएगा। हमारा रिपीटर रेडस्टोन सिस्टम सारा पानी पानी हो जाएगा। और अब उठाते हैं कैंप फायर्स, सोल कैंप फायर्स। अब लगाते हैं यहाँ पे सोल कैंप फायर। इतना धुआं धुआं हो गया है यहाँ पे। चलो ये लग गई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। धुआं धुआं हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है सही तरह से यार। ये क्या हुआ? अरे क्या किया मैंने यार, इन्वेंटरी क्यों खोली? मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं। आह शुक्र है, जान है तो जान है। एक कैंप फायर खराब कर दी मैंने। चलो पहले एचपी बढ़ाए, बाहर निकलते हैं यहाँ से। काम तो सारे उल्टे ही हैं मेरे। एक ब्लॉक तोड़े, पानी उठा लिया। अब इसे तोड़ूंगा तो होपर वगैरह सब टूट जाएंगे। तो एक काम करते हैं, कैंप फायर तोड़ते हैं। एक कैंप फायर टूट गई और एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा हमें, या इसके ऊपर चढ़ते हैं। चलो इसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं, मगर बाहर ही नहीं निकल पा रहे हम। निकल गए। अब इस डट को फिर से तोड़ देते हैं और एक कैंप फायर लानी पड़ेगी मुझे घर से। काम बढ़ गया मेरे दोस्तों, मगर उससे पहले चलो सो जाते हैं। सो कर मिलता हूँ मैं तुमसे। चलो जाते हैं घर, आता हूँ मैं एक और कैंप फायर बना के। बैठा मेरे को। चलो कैंप फायर तो हाथ में आ गई, और अब खाने का जुगाड़ करें यार। खाना नहीं है हमारे पास, इनके पास नहीं जाता मैं। ये लोग अच्छा सामान नहीं देते भाई। ये विलेजर्स जो हैं, इनके आलू और गाजर से मैं ट्रेड करता हूँ, सीधी बात है। ये ओपी विलेजर है, इसकी पावर दिखाऊं तुम्हें? ये खुल गई चेस, खुल जा सिम सिम। ये देखो स्टैक के स्टैक। ये फार्म ओपी फार्म है, वीट फार्म। 3-4 और बना लो तो जिंदगी आसान, मगर एक ही काफी है मेरे जैसे के लिए। हाँ अगर सर्वर होता तो अलग बात होती। अरे सर्वर से याद आया, अगर तुम लोगों में से किसी के पास माइनक्राफ्ट का सर्वर हो तो अपनी आईपी भेजो मेरे पास। कमेंट करना, कमेंट में भेज देना, या फिर फेसबुक पे रब्ता कर लेना मेरे से। कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, मैं चेक करूंगा। चलता हूँ मैं फार्म पर, फिर मैं मिलता हूँ तुमसे। आ गए हम, अब लगाते हैं कैंप फायर। लग गई। अब हमें जाना है यहाँ से 117 ब्लॉक ऊपर, 117 ब्लॉक ऊपर यहाँ से जाना है। मतलब हमारी हाइट है 63। कलेक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जहाँ चेस पड़ी हुई है वहां से 63 है, और मुझे जाना है 117 प्लस 63 is equal to 180। तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, मैंने एक मैथ का मुश्किल सवाल हल किया है। तो चलो चलते हैं ऊपर। ओ यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, सारे बादल ही बादल आ गए। क्या हो रहा है ये, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ बादल ही बादल है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कांच का प्लेटफॉर्म अपने लिए खड़े रहने के लिए, 3x4 का बनाएंगे। चलो ये बन गया, और अब जाना है नीचे। नीचे कैसे जाएंगे? चलो बिल्ड करते करते जाते हैं, बाद में इसको खत्म कर देंगे। लैडर्स लगा कर ऊपर आएंगे। कूदो, मजे आ गए सर, ऊपर से कूदे हैं। मछलियां वछलियां सब डरा दी हमने, क्या बात। और अब लगाते हैं यहाँ पे लैडर्स, ऑन कर देते हैं इसे।
वैसे भी हम ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर से मुराद हमारा प्लेयर ऊपर जाने वाला है। ओह सारी टॉर्चेस निकल गई, अभी रोशनी देखी तुम लोगों ने, इसका मतलब ये है कि सारी टॉर्चेस निकल गई। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। चार ये अपना हो गया AFK एरिया तैयार, और रात भी हो चुकी है, क्यों ना एक रात गुजार ही लें यहाँ पे। वो क्या है, ये सूरज है, डूबता हुआ सूरज, रात में ऐसा दिखता है क्या। छत तो बनाई नहीं मैंने, छत भी बना लेते हैं, हो सकता है कोई उड़ता परिंदा हमारे बालों में गुदगुदी करके चला जाए, इस वजह से बना लेते हैं। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। चल अब यहाँ पे रुकते हैं एक रात, फिर देखते हैं हमारे पास कुछ आया कि नहीं। तो मेरे दोस्तों सुबह हो चुकी है, चलते हैं नीचे, यहां से कूदना सही नहीं रहेगा, एक काम करते हैं इसको ही तोड़ देते हैं। खुदकुशी इसको कहते हैं, देखो ये चल ये हो गया। और अब देखते हैं कि क्रीपर मरे कि आवाज तो आ रही है, इनके जलने की आवाज आ रही है मेरे दोस्त। अबे ये क्या है, एंडरमैन। अबे मैं क्रीपर के लिए आया था, तेरे लिए थोड़ी आया था, ज़ॉम्बी ने मारा मेरे को। तू तो गया बेटे, मेरी सोर्ड के आगे टिक पाएगा तू, हैं? चल निकल निकल, पानी में लड़ेगा, पानी में आजा। गायब हो गया, चीटिंग करता है तू, सामने आ आंख दिखाता है। चलो ये तो गया, वो कहाँ गया, चिंटुकला पिंटुकला, चलो दफा करो, देखते अपने पास सामान कितना आया है। यू आर रेडी गाइस, आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर दिस, वन स्टैक एंड टू, एक स्टैक और दो, क्या बात है। ये सोल सोयल मेरी है, हाँ ये डट भी मेरी है। अरे ये क्या, एंडरमैन ने मुझे दो एंडर पॉल्स गिफ्ट किए हैं, वाह। इसमें 64 और 25, अबे कमाल है यार, इसमें सबसे ज्यादा है 20 और 8, यार ओपी हो गया। दो उसमें 4 और 3, 5 स्टैक, 5 स्टैक और कुछ 5.5 स्टैक मान के चलो, 5.5 स्टैक सिर्फ एक AFK में, यानी एक रात में। मेरे सामने आके मरते नहीं है ना ये लोग, मेरे सामने आके मरो, बहुत तंग किया है तुमने। नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, जब मैं ऊपर चला जाऊंगा या यहाँ वहाँ हो जाऊंगा तब जब मरेंगे। चलो सारा काम तो प्रॉपर हो गया, मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे, यस सर, मरो मरो तुम मरो। ये बेस्ट था, मेरा बदला पूरा हुआ, आज के बाद ये लोग मेरे करीब भी नहीं आएंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, करीब नहीं आएंगे ये तो गलत बात है, ये बात झूठी है, इनका जब दिल चाहता है जहाँ दिल चाहता है ये लोग आ जाते हैं, चाहे मेरा घर हो या ना हो। मैंने सिर्फ एक क्रीपर फार्म बनाया है, बाकी ये लोग आ जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस तरह हुआ हमारा फार्म मुकम्मल, पूरा का पूरा, देखा तुम लोगों ने, इन क्रीपर्स ने मुझे हिट किया, चलो वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरे घर का एरिया खराब किया वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर उसके बाद इन्होंने जो किया, मेरी जो पावरफुल बुक थी जो एन्चेंटिंग के लिए मैंने रखी थी उन्हें उन्होंने ब्लास्ट किया, बुक जाया कर दी मेरी, सारा सामान खराब किया, तब आया मुझे गुस्सा, इसलिए मैंने बनाया ये क्रीपर फार्म, वरना मेरा इरादा नहीं था बनाने का। तो चलो खैर बदला हुआ पूरा, अब जब भी दिल करेगा क्रीपर को मारने का या मरते हुए देखने का तो हम यहीं आ जाएंगे, और फ्यूचर में काम भी आएंगे TNT। तो प्यारे दोस्तों तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम नए हो तो, और शेयर करो मेरी वीडियो को, मैं कहता नहीं हूँ शेयर करने को लेकिन आज कह रहा हूँ शेयर कर देना, मजा आएगा। तो मिलते हैं किसी और बिल्ड के साथ, नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, तब तक मुझे दो इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।